जय हिंद, सभी को प्यार भरा मेरा नमस्कार। हमारे भारत के इतिहास में कई ऐसे महानायक पैदा हुए जिनको इतिहास ने भुला दिया। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे पन्ने हैं जिसे ना कभी पढ़ा गया ना ही कभी पलटा गया। आजादी के उन गुमनाम नायकों को याद करने का उत्सव है आज आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी की लड़ाई में हमारे देश के लिए हजारों ने जान की कुर्बानियां दी, लेकिन आज की तारीख में हम जितनों को जानते हैं वो सिर्फ ना के बराबर है। जैसे कि झलकारी बाई, बरसा बुंडे, माता दीन, ये हमारे देश के ऐसे महानायक थे जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए गए। उनमें से ही एक हैं हमारे देश के शहीद मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को नागवा में जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। 8 अप्रैल 1857 के दिन बैरकपुर छावनी के रेजिमेंट के सिपाही को फौजी अनुशासन भंग करने और अंग्रेजों को मारने के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी के लिए कोई स्थानीय जल्लाद नहीं मिला तो कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाकर इस फौजी को फांसी दे दी गई। यह फौजी था भारतीय संग्राम का प्रथम शहीद मंगल पांडे। जैसा कि आपने और हमने सभी लोगों ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा ही होगा, मंगल पांडे हमारे देश की एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। हमने और आपने मंगल पांडे को इतिहास में कभी नहीं पढ़ा। आज हमारे स्कूल के बच्चों ने मंगल पांडे की जीवन शैली को बढ़ाने के लिए हमारे स्कूल का कार्यक्रम मंगल पांडे की जीवन शैली पर आधारित किया है। हमारे स्कूल के बच्चों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में काफ़ी मेहनत करी है। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूँ आप अपने स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम और अपने बच्चों का कार्यक्रम सफल बनाने में स्कूल के स्टाफ का, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम का और यहाँ जो इस प्रोग्राम को सफल बनाने में काफ़ी दिनों में स्कूल को बच्चों को डांस सिखाने में टीम लगी हुई है, उन सभी का सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।